press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ आप सबको एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों आज मैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और एक मोबाइल होल्डर का रिप्लेसमेंट है। किस तरह का प्रोडक्ट है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे अगर आपके पास ऐसा वाला मोबाइल होल्डर है, अगर आपके पास ये ग्रिप्स और ये रबर वाला गिर गया तो आप मोबाइल बिठा नहीं सकते और गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ निकाला है, शायद आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ दिमाग इस्तेमाल करके एक कोशिश की तो वो काफ़ी फ़ायदा लगा मुझे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल होल्डर का रिप्लेसमेंट, इसको आपको अपने बाइक पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मोबाइल होल्डर लगा के आप राइड पे जा सकते हैं और अपने हैंड्स फ्री भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ग्लव्स से भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो प्रोडक्ट बताता हूँ। मैं अभी अपना मोबाइल फ़ोन उस प्रोडक्ट में डाल के आपको ऑपरेट करके बताता हूँ। तो चलिए ये देखिए। तो दोस्तों ये रहा वो प्रोडक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। दोस्तों ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ये आप देख सकते हो, कोई भी जॉगिंग वाला बंदा या जिम में जाने वाला बंदा इसको अपने आर्म में लगा के गाने सुनते हुए वर्कआउट करता है। ये वही पाउच है। तो इसका मैंने कुछ अलग से इस्तेमाल करने का सोचा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं इसके अंदर मोबाइल डालने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास मोबाइल गार्ड है, मोटा वाला केस है तो वो अंदर नहीं जाएगा, तो आपको केस निकाल के ऐसे अंडर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस तरह से आपको इसको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेलक्रो दिया गया है तो आप ऐसे फिक्स कर दीजिए और इसको आप पहन सकते हो ऐसे अपने रिस्ट पे। तो चलिए मैं पहन के बताता हूँ, थोड़ा लूज़ कर देंगे। हाँ ये रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि उस पाउच का इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसका रिप्लेसमेंट इसलिए बता रहा हूँ, दोस्तों आप देख सकते हो ये इजीली ऐसे आप ऐसे भी करके इसको रख के ऑपरेट कर सकते हो। चलिए मैं ऑपरेट करके बताता हूँ, फ़ोन को चालू कर देते हैं। आप देख सकते हो कवर में भी एक्सेस कर दें, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे इसका, कवर पे भी एक्सेस कर सकते हैं आप, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको कोड डालना पड़ेगा, तो चलिए कोड डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ऑपरेट हो रहा है। देखिए नॉर्मली हम लोग मोबाइल होल्डर इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मैप डाल सकें, तो चलिए मैप डाल देता हूँ मैं, मैप चालू कर दिया। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसको लॉक कर दीजिए ताकि ये लैंडस्केप पे ना जाए, तो ऑटो रोटेट ऑफ कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर मैप दिखा रहा है, आप कोई भी लोकेशन डाल दीजिए, जस्ट डाल देते हैं कोई भी लोकेशन, आरटी नगर, और चलिए शो डायरेक्शन। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी डायरेक्शन दिखा रहा है, चलिए स्टार्ट प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन, ये जो प्लास्टिक का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मुझे नीट से दिख रहा है कि मैं अभी किस तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं बाइक चलाते चलाते भी ऐसे मैप को देख सकता हूँ कि किस साइड जाना है। और ये पाउच जो है दोस्तों बहुत कम प्राइस में मिलता है, जैसे कि 300 रुपीज़। इसका अच्छा क्वालिटी वाला भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए ख़रीदा है तो मैंने कम क्वालिटी वाला जो कि 300 रुपये में आता है वो ख़रीदा है। मैं देखना चाहता था दोस्तों जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो काम करेगा या नहीं। ये देखिए आप ऐसे देख के बाइक चला सकते हो, मैप वगैरह और ऐसे करके रूट भी देख सकते हो, आप कौन सी साइड जाना है, डायरेक्शंस भी आपको बताएगा वो। तो दोस्तों आप देख सकते हो
इस होल्डर को ना तो अपने बाइक पे कनेक्ट करना है, कोई झंझट का काम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता। आपको सिर्फ अपना पाउच, अपने पाउच में इस फ़ोन को डालना है और आपको पहनना है, बस इतना ही करना है आपको, और आप राइड के लिए तैयार हो। तो सेफ्टी का अगर बात करेंगे तो दोस्तों, क्योंकि ये अच्छे कंपनी का नहीं है, ज़्यादा पैसे का नहीं है, तो इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वेलक्रो उसका उतना ख़ास नहीं है। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बेल्ट स्टिच करवा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ कनेक्ट करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करके बताऊंगा, वो बेल्ट मैं इधर स्टिच करवा के बताऊंगा, ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी और ये किसी भी हालत पे कोई भी इम्पैक्ट पे ना गिर सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इस एंगल में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए मैप का तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे ऑन करके ये वाले एंगल में भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसी एंगल पे रख के अभी बाइक चलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है आज तक, यूट्यूब में कोई भी बंदा ये एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं किया है आज तक, मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी ऐसा आइडिया यूज़ किया होगा एक मोबाइल होल्डर बनाने के लिए जो बाइक राइडर्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो मैप कितना क्लियरली दिख रहा है आपको, आपकी ये होल्डर की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये 300 का पाउच है। दोस्तों अगर आप ये होल्डर ख़रीद रहे हैं तो इसको 500 या 600 रुपीज़ में आता है और 100 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन ये जो पाउच है सिर्फ 300 रुपीज़ और इसका कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है। बस आप अपना मोबाइल फ़ोन अंदर डालिए और ये ऑपरेट करने के लिए तैयार है। इसके दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाउच जो है 5.5 इंच स्क्रीन का है, तो इसके साइजेस भी अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे। अगर आपका फ़ोन छोटा है 5 इंच से नीचे, ये वाले पाउच में नहीं बैठेगा, क्योंकि इसका साइज़ जो 5.5 है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। क्या करते हैं आप लोग। तो दोस्तों पहली बार ऐसा कुछ पहन के मैं रोड पे आया हूँ, लोगों का रिएक्शन कुछ अलग है, उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या पहना हूँ, बट मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर मेरे पास ये होल्डर नहीं होता तो मैं ये इस्तेमाल करके अपने राइड्स पे यूज़ करता। दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज दिखा मुझे, क्योंकि ऊपर एक प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ज़्यादा सनलाइट है और ज़्यादा ब्राइट है तो शायद आपको वो जो प्लास्टिक कवर होने की वजह से आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं आपको अभी थोड़ा डार्क में लेके जाके बताता हूँ आपको किस तरह से दिखेगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि रात में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है और कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस गैजेट का मैंने नाम दिया है मोबाइल वॉच, क्योंकि मैंने इसको रिस्ट पे पहना है, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है मोबाइल वॉच होल्डर बोल सकते हो, मोबाइल वॉच होल्डर या मोबाइल वॉच पाउच, जो कुछ भी आप नाम देना चाहते हैं आप कमेंट पे दे दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो बस मैं आपको बताना चाहता कि आप अगर आपके पास दिमाग है तो आप उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हो और ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप अपने लाइफ में। आप देख सकते हो दोस्तों ये कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बड़ी खोज नहीं है, सिंपल सा पाउच अवेलेबल था जो कि जॉगर्स या जिमर्स पहन के वर्कआउट करते हैं, तो उसका मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया और अपने डेली लाइफ या राइडिंग कम्यूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है बॉस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।